तंत्र की व्याख्या। आज हम बात करेंगे तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या है। संक्षिप्त में बात करूं तंत्र की, तंत्र बोले तो एक व्यवस्थित तरीके से जीने की कला, उसको तंत्र कहते हैं। तंत्र शास्त्र विशाल है। हमारे भारत में भूत दामर तंत्र, योगिनी तंत्र, यक्षिणी तंत्र, ऐसे काफी तंत्र हैं। तकरीबन मुझे लगता है 50 से ज्यादा तंत्र की पुस्तकें भारतवर्ष में प्रकाशित हैं, जो विद्वानों द्वारा प्रकाशित हैं। तो आज पूरे डिटेल में मैं तंत्र शास्त्र के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या करूंगा। हो सकता है ये एपिसोड बड़ा भी हो, आधे घंटे का। तो चलिए तंत्र शास्त्र पर अपने विचार स्पष्ट करता हूँ। तंत्र शास्त्र वेदों के समय से हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग माना गया है। ये बात अलग है कि आज हम उसको सिर्फ ब्लैक मैजिक के फॉर्म में ही देखते हैं। वैसे तो सभी साधनाओं में मंत्र, तंत्र और यंत्र एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं कि उनको आप अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि मंत्र तंत्र से कनेक्ट है, तंत्र यंत्र से कनेक्ट है, तीनों एक दूसरे से अभिन्न अंग हैं। परंतु जिन साधनों में या साधनाओं में तंत्र को प्रधानता दी गई है, उन्हें हम तंत्र या तांत्रिक साधना मान लेते हैं। ब्रह्मांड की बात करें तो इस ब्रह्मांड की जो रचना है उसमें पालन पोषण और संहार, जो त्रिदेव है या त्रिशक्ति है, जिससे परब्रह्म परमात्मा द्वारा किया जाता है, उसकी अभिव्यक्ति है त्रिदेव या त्रिदेवी, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी काली सरस्वती। उनकी इन सब क्रियाओं को करने की ताकत हम शक्ति के नाम से संबोधित करते हैं। ब्रह्मा जी को रचना शक्ति का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, द क्रिएशन पार्ट। विष्णु भगवान को पालन पोषण, द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, जिसको हम कहते हैं प्रबंध कार्य, वह दिया गया। और शिव जी को संहारात्मक कार्य, डिस्ट्रक्शन, क्योंकि तीनों ही चीजें ब्रह्मांड में नियमन के लिए जरूरी है। हमारे पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु के बराबर भी नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है बहुत छोटे बिंदु के समान है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी, नक्षत्र, तारे प्रतिसंग बन रहे हैं। और यही श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि जिस दिन है अर्जुन, मैं सृष्टि का सर्जन करना बंद कर दूंगा, उस दिन यह सृष्टि विनाश की ओर जाएगी। सुनने में बात अटपटी सी लगती है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है हमारे शास्त्रों की। मैं बात कर रहा था हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु के बराबर भी नहीं है, बहुत छोटा सा अंग के समान उसका अस्तित्व है। और हमारे इस ब्रह्मांड का यह बिंदु केंद्र जो है, मध्यस्थ है, वो है सूर्य, सूर्य भगवान, जिसके चारों ओर सभी ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, आकाशगंगा के असंख्य जो तारागण है, निरंतर क्लॉकवाइज चक्कर लगाते रहते हैं। जैसा कि ये ब्रह्मांड है, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है, मैंने कहा, जो एक बहुत बड़े सूर्य आकाशपुंज के समान चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं। अब आपको अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है और कितनी महान शक्ति होगी उस परमात्मा की, जो इस समस्त जगत का प्रारंभ और प्रबंधक और संहारात्मक क्रिया बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। उससे भी हम तंत्र ही कहेंगे। उससे अलग अलग कार्यों के लिए छोटे छोटे अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो कहते हैं देवी देवता। प्रधान अधिकारी है ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो अपनी शक्ति के द्वारा अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि CEO होता है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, और सबकी अपनी एक डेजिग्नेशन होने के बाद उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसी प्रकार इस सृष्टि के नियमन के लिए भी उस परमात्मा ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है अलग अलग स्वरूपों में। सारी ही स्वरूप देवता, जिसको हम कहते हैं, वो ईश्वर ही है। खैर, मैं बात कर रहा था प्रधान अधिकारी के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, जो अपनी शक्ति के द्वारा कर्तव्य का पालन करते हैं, जिसको हम क्रमशः उनकी जो शक्तियां हैं वो है महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली कहते हैं। परब्रह्म की इस आद्या शक्ति को ही जगत जननी कहते हैं, जो अखिल ब्रह्मांड को जन्म देती है। और शक्ति में से यदि आप ई का निकाल दे, शक्ति ई का निकाल दे, तो वो सब बन जाता है। यानी शिव बिना शक्ति के अधूरा है और शक्ति भी शिव के बिना अधूरा है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ में अर्धनारेश्वर का भी प्रादुर्भाव हुआ। और शास्त्र कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस उक्ति के अनुसार हमारे शरीर की रचना उसी पर आधार की गई है जिस पर कि पूर्ण ब्रह्मांड की है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने, महर्षियों ने योग के द्वारा अपने शरीर में जो स्थित चक्र है
वहां तक पहुंच कर, यानी समाधि अवस्था की बात कर रहा हूँ, वहां तक समाधि अवस्था में पहुंच कर इन तत्वों की जानकारी प्राप्त की और अपने उस ज्ञान को वेद, पुराण, उपनिषद, असंख्य ग्रंथों में जैसे सांख्य योग, दर्शन योग, वेदांत दर्शन आदि ग्रंथों में, निगम और आगम ग्रंथों में विस्तार से इसका वर्णन किया। जिस प्रकार से ब्रह्मांड में 7 लोग ऊपर की ओर हैं और 7 लोग नीचे की ओर हैं, वैसे ही स्थिति हमारे शरीर के अंदर भी है। वही 7 लोग की स्थिति सप्तचक्र भी मानी जाती है, जो है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र या विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, और आज्ञा चक्र और षष्ठधर चक्र। कई कई विद्वान ये भी कहते हैं कि हमारे जितने रोमकूप है शरीर के, वो सारे रोमकूप भी एक चक्र का ही स्वरूप है। खैर, रोमकूप पर मैं बात न करके आगे की ओर बढ़ता हूँ। मैं कह रहा था जिस प्रकार से हमारे 7 लोक है ऊपर की तरह, उसी के कारण गायत्री मंत्र में भी उसका विस्तार है। भूर भुआ स्वः, यानी 7 लोक है, भू लोक, भुआ लोक, स्वः, जना, मना, तपा, सत्यम लोक। वैसे ही स्थिति हमारी शरीर के अंदर में, और शरीर के अंदर निरंतर जो जठराग्नि है, जिसको हम डाइजेशन पावर बोलते हैं, वो प्रज्वलित हो रही है। उससे अन्न के द्वारा, क्योंकि अन्न चाहिए, एक फ्यूल है, उसके द्वारा, भोजन के द्वारा हवन होता है, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है और हम शरीर के द्वारा क्रियाशील हो जाता है। यदि इस अन्न के यज्ञ को बंद किया जाए तो संहार क्रिया प्रारंभ हो जाती, जो हम कहते हैं उपवास। उपवास में क्या होता है, हमारे जो शरीर के फैट्स होते हैं, उन फैट को हम जलाकर हमारा शरीर स्वतः एनर्जी को ग्लूकोज फॉर्म में, ग्लूकोजन के फॉर्म में वो इंटेक करते रहते हैं। तो बात करें तो अगर हम अन्न ना करें तो संहार की क्रिया आरंभ हो जाती है और शरीर धीरे धीरे क्षीण होकर नाश की ओर जाता है। इस प्रकार यज्ञ के द्वारा वातावरण शुद्ध होता है, शक्तिवान भी होता है, और यही कारण है वर्षा भी होती है, अन्न भी उत्पन्न होता है, प्रजा का पालन भी होता है। और यज्ञ न होने से कहते हैं भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और वह उग्रतर स्वरूप धारण करते हैं, जिसको हम कहते हैं रुद्र। क्योंकि कई लोग समझते हैं कि शिव केवल सौम्य स्वरूप है, शिव का भी उग्र स्वरूप है, अगड़ है, रुद्र है, शिव है, तीनों के अलग अलग स्वरूप है। शिव यानी कि कल्याणकारी, जब शिव सौम्य स्वरूप में रहते हैं तो कल्याणकारी रहते हैं। जब उस शिव की उपासना करके हम पशुपते स्वरूप में उसकी उपासना करते हैं तो पशुपते पार्श्विक वृत्ति है हमारे शरीर के। हम प्रत्येक मनुष्य के अंदर 5 मुख्य विचार नहीं विकार होते ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार पार्श्विक वृत्ति को जन्म देती हैं और उसका परिचायक है, और उस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हम एक उपासना पद्धति अपनाते हैं, जिसको कहते हैं पशुपति विधान। इसलिए भगवान शिव को पशुपति कहते हैं कि पार्श्विक वृत्ति से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो उसको हम पशुपति बोलते हैं। तो हम भी पशुपति बनते हैं जब 5 विकार से परे जाते हैं, और इसीलिए पशुपति शब्द भी आया है। और वही पशुपति रुद्र रूप जब धारण करते हैं तो संहार की क्रिया करते हैं, और यज्ञ होता रहे तो शिव कल्याणकारी हो जाते हैं सौम्य स्वरूप में। संसार की उत्पत्ति के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, रज और वीर्य, और इसीलिए नर और मादा का जन्म होता है, जिसको हम स्त्री पुरुष कहते हैं, शिव शक्ति भी कहते हैं, और इसी शिव शक्ति के मिलन से ही नई सृष्टि का आरंभ होता है। अति प्राचीन काल से मनुष्य ने अपने विकास क्रम से इस तत्व को बहुत पहले जान लिया था और अपने इंद्रियों के प्रतीक के रूप में शिवलिंग और शक्ति की योनि के रूप में पूजा उसने प्रारंभ कर दी थी। यदि आप शिवलिंग का स्वरूप देखो तो शिवलिंग का स्वरूप जननेंद्र की और प्रतीक करती है, यानी शिव शक्ति का तारण में जो रहता है उसी ही सृष्टि का प्रारंभ होता है। जैसे आप कामाक्षा में जाइए तो वहाँ केवल योनि ही मिलेगी, माता की छवि नहीं मिलेगी। उसी प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग है, वो भी एक ब्रह्मांड का प्रतीक है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं योनि और लिंग का ताननमय स्वरूप है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है, और ब्रह्मांड का पूर्ण स्वरूप भगवान शिव माना गया है। खैर, मैं बात कर रहा था कि जो आज तक चली आ रही है शिव और शक्ति की पूजा, वो इसी के कारण शुरू होती है, और भारत के बाहर भी दूर दूर प्रांतों में इसका प्रमाण हमें मिलता है कि शिवलिंग की पूजा बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है, और यही शिवलिंग से ही, शिव से ही तंत्र का प्रादुर्भाव होता है, तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य। अब क्या उद्देश्य तंत्र साधना क्यों करते थे? तंत्र साधना इसलिए करते थे कि आत्मा और परमात्मा का
मिलन हो सके, जिसको शास्त्रों में आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसको समाधि अवस्था कहते हैं, जिसको भक्त लोग ईश साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं, जिसे योगी जन या वेदांती जिसको निर्वाण प्राप्ति या निर्वाण प्राप्ति भी कहते हैं। और इसके लिए जरूरी है अंतर्मुखी होकर योग की साधना की जाए। और योग के कई प्रकार हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, क्रिया योग, हठ योग, ऐसे कई प्रकार हैं। प्रारंभ में साधक को चाहिए कि अपना लक्ष्य मूलाधार चक्र पर जो सूर्य जो महाशक्ति है, जिसको हम कहते हैं कुल कुंडलिनी शक्ति, उसको जागृत करें। मूलाधार चार वर्ण का, यानी चार उस पर पैटल रहते हैं, जिसमें वम शम 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 और बीच में लम बीज लिखा हुआ रहता है। वहीं पर शिवलिंग भी रहता है, उस मूलाधार के अंदर शिवलिंग का सूक्ष्म स्वरूप में रहता है, और उसको लपेटे हुए कहते हैं साढ़े तीन आटे के फॉर्म में, साढ़े तीन आटे के फॉर्म में कुल कुंडलिनी शक्ति अपनी पूछ है उसको पकड़ के नीचे की ओर सोई हुई रहे। जब तक ये कुंडलिनी शक्ति सोई हुई रहती है, इंसान केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही जीता है, ना उसे माइस्टिक वर्ल्ड की ओर यानी सूक्ष्म जगत की ओर सोचता है, ना वो आध्यात्म की ओर सोचता है। क्योंकि कई लोग ये भी सोचते हैं कि केवल ध्यान और हल्का सा ध्यान और पूजा करने से, भौतिक साधनों से संग्रह करने से हम आध्यात्मिक की ओर प्रवृत्त हो गए, वो धार्मिकता है, आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। फिर यह कुंडलिनी शक्ति जैसे सुषुप्ना मार्ग, सुषुप्ना एक नाड़ी है, तीन नाड़ों में ईड़ा, पीड़ा और पिंगला, उसमें बीच की जो नाड़ी है उसे सुषुप्ना कहते हैं। तो इन सुषुप्ना नाड़ी से मार्ग से ऊपर चढ़ती हुई जब यह शक्ति आगे के चक्रों को पार करती है, तो योग के साधक को अलग अलग प्रकार के अनुभव होने लगते हैं और अलग अलग अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। कई कई साधक तो इस मार्ग में डर भी जाते हैं, क्योंकि अधिकांश साधक को मार्ग में मिलने वाली इन सिद्धियों को पाकर कामिनी कांचन के मोह में पड़कर पदभ्रष्ट हो जाते हैं, अथवा आगे बढ़ने के स्थान पर वही जमकर रह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिद्धि प्राप्त होने पर वे अपने आप को सिद्ध योगी मानते हैं और यही समझते कि जीवन की पूर्णता की सिद्धि उन्हें प्राप्त हो गई है, और यही कारण है वो धीरे धीरे अधपतन की ओर चले जाते हैं। और जितने भी प्रकार की साधनाएं हैं उन सब में कुल कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए साधना की जाती है। यह नाड़ी सर्प की तरह कुंडली मारे, मैंने कहा अपना मुख या फन को नीचे की ओर पकड़ी हुई सोई है, इसको जगह पर फन करना या साधक का जय है। इसका फन ऊपर की हुआ हुआ ऊपर की ओर हुआ तो फिर यह जागृति अवस्था समझी जाती है। रीढ़ की हड्डी में तीन नाड़ियां हैं, मैंने कहा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है वो दाएं और बाईं ओर रहती है, और जिसको दाहिने और बाईं स्वर में नासिका में प्राणवायु चलती रहती है। बीच में सुषुम्ना नाड़ी में खाली स्थान है, और सुषुम्ना के अंदर भी एक नाड़ी है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म नाड़ी, और कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर इस सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर की ओर उठती चली जाती है, और इसी के लिए हम जब तब ध्यान, पूजा, हवन आदि कर्म करते हैं। तांत्रिक साधना को मूल रूप से दो भाग में हम विभक्त करते हैं, एक होता है दक्षिण मार्ग, दूसरा होता है वाम मार्ग। वाम मार्ग काफी कठिन है। स्त्री पुरुष का जब संगम होता है उस समय चरम के उत्कर्ष अवस्था में जो आनंद आता है उसको सांसारिक लोग विषय आनंद कहते हैं, और उसे ब्रह्मानंद से कुछ कम ही समझो, क्योंकि यह एक क्षणिक रहता है। इसको प्राप्त करने के बाद तृप्ति नहीं होती, लालसा बढ़ती रहती है, और इसीलिए इसे अन्य साधनाओं को करने वालों को कोई महत्व नहीं देते। परंतु तांत्रिक उस चरणों उत्कर्ष की जो अवस्था है, जो उसको भोग की अवस्था में मिलती है, उसको विशेष क्रिया के माध्यम से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और इसलिए कुल कुंडलिनी शक्ति माँ को जगाने की एक अवस्था, एक प्रयास रहता है। यह ठीक है कि अधिकांश साधक विषय का आनंद जो है, जिसको हम सेक्स कहते हैं, उसी में लिप्त हो जाते हैं, परंतु यह भी ठीक नहीं है कि हम उसी को मूल समझ लें, और यही कारण है कि उसको प्रतीक के रूप में अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें समझी। जैसे पांच पंचमकार है, मत्स्य मास मुद्रा मैथुन। किसी दिन इस पर भी मैं अपनी चिंतन व्यक्त करूंगा कि मत्स्य क्या है, यानी कि मछली, मांस क्या है, मुद्रा क्या है, मैथुन क्या है, क्योंकि इसको लोगों ने गलत तरीके से लिया और तंत्र को एक प्रकार से कहीं ना कहीं बदनाम ही कर दिया। खैर,
मैं बोल रहा था कुछ साधकों ने इस वाम मार्ग के द्वारा अपने इष्ट को प्राप्त किया था और आज भी कर रहे हैं, पर ये काफी कठिन मार्ग है, इतना आसान भी नहीं है। जो वैराग्य साधु रहते हैं वही वाम मार्ग को करना उचित समझते हैं। दक्षिण मार्ग तंत्र का सरल मार्ग है, परंतु तो अधिकांश साधक अपने मूल उद्देश्य से भटक कर केवल विषय आनंद की ओर ही सीमित रहते हैं और अधिक से अधिक कुछ सिद्धियां, थोड़ा जागृत हो जाना, किसी के मन की बात सुन लेना, दूरदृष्टि प्राप्त कर लेना, किसी के भूतकाल के बारे में जान लेना, ये सब छोटी छोटी जो सिद्धियां हैं उसे पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। तांत्रिक साधना में स्त्री का प्रयोग केवल एक निर्मित मात्रा ही होता है और उन्हें जगदम्बा का स्वरूप मानकर ही प्रवृत्त किया जाता है। और जिन्होंने अपनी इच्छाओं पे, काम विकारों पे, वासनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर दिया, वही साधना का अधिकारी है और वही तंत्र साधना में साधना कर सकता है। और इसलिए दक्षिण मार्गी साधक भी या तांत्रिक भी साधना की उत्तम स्थिति मानी जाती है। तो जो लोग अपने विकारों पर संयम नहीं कर पाते, उनके लिए जरूरी है कि वो दक्षिण मार्ग पर ही अड़े रहें और अपने गुरु से दीक्षा लेकर दक्षिण मार्ग को अपना सकते हैं। पर उससे पहले मन की एकाग्रता जरूरी है, क्योंकि मन को एकाग्र करके ही जितनी भी चित्त वृत्तियां हैं उसको निरोध किया जाता है। और इसीलिए पतंजलि महाराज ने कहा है अपने पतंजलि योग शास्त्र में, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग की वृत्तियों का निरोध करना ही पूर्ण योग माना जाता है। और वहीं से ध्यान लगता है और ध्यान की धीरे 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 एकाग्रता बढ़ते रहती है और वहीं से धारणा बनती है और वहीं से धारणा से आगे समाधि जाती है। कुछ लोग अलग स्टेप पर बोलते हैं, पहले धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि अवस्था। बहुत सारी चमत्कारिक जड़ी बूटियां भी हैं जो इन सिद्धियों को प्राप्ति करने में या योग साधना में आपको सहायक भी होती है, जैसे कि भांग हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, सूरा हो गया, ये सब नशीले पदार्थ है। संसारी जीव इसको नशे के लिए उपयोग में करते, लेकिन जो सिद्ध योगी है, जो समर्थ तांत्रिक है, वो इसको नशीले पदार्थ के लिए ना मानकर इसको ध्यान के लिए, अभी तो मैं बोलूँगा साधु संन्यासी जो महात्मा है, ऑगर है, तांत्रिक है, इसको प्रयोग में इसीलिए लाते हैं ताकि ध्यान लगाने में मन को एकाग्र करने में ये आपको सहायता करता है। पर इसका हमने एक अलग स्वरूप ले लिया और केवल अपने सांसारिक प्लेजर के लिए हम इन चीज़ों का उपयोग करने लगे। और आज भी कहीं ना कहीं होता है, मैं अपने जीवन में भी ऐसे कई योगियों को मिला हूँ जो चरस का, गांजा का, भांग का आज भी उपयोग करते हैं छुप छुप के, पर केवल केवल ध्यान लगाने के लिए, ना कि फॉर प्लेजर्स। और ध्यान लगाने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए केवल यही नहीं, और भी क्रियाएं हैं, जरूरी नहीं आप इन वृहस्पति को ले, आप त्राटक कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, आप शवासन लगा सकते हो, बहुत सारी क्रिया है जिससे आप चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। स्पोर्ट में भी हम देखते हैं कि ड्रग्स भी बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन प्रयोग करते हैं ताकि उनकी शक्ति को बढ़ा सके, ठीक है। आप म्यूजिक में भी देख सकते हो, बहुत सारे म्यूजिशियन भी वो अच्छा गाते हैं क्योंकि मन एकाग्र होता है। कोई भी नशीली पदार्थ को अगर लेते तो पूरा ध्यान वहीं एकाग्र हो जाता है, पर प्लेजर के लिए मैंने कहा, ठीक है। इसलिए स्पोर्ट पर्सन हो गया, क्रिकेट में हो गया, कई लोग गाना गाने से पहले, संगीत करने से पहले एक इसकी हल्की सी एक नशे की एक अंश ले लेते ताकि पूरा ध्यान वहीं पर एकाग्र रहे। तो ये वनस्पतियाँ हैं केवल मन को एकाग्र करने के लिए बनाया गया है, ना कि भोग वृत्तियों के लिए। मैंने जो हमने तो देखा है कि लोग अलग अलग भोग वृत्तियों के लिए इसमें उलझ जाते हैं। इसीलिए उत्तम कोटि के साधकों ने, महात्माओं ने और उन गुरुओं ने इस प्रकार की वाम मार्ग की साधना को अपना हेय समझा। और वाम मार्ग की साधना तंत्र साधना में प्रवेश जिन कारणों के हुआ वो आपको मैं बता चुका हूँ, परंतु इन वस्तुओं का प्रयोग जो नशीली पदार्थ है कभी नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से साधना में तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता कि उससे ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। शायद हो भी सके, लेकिन वो बहुत कम क्षण के लिए वो सिद्धि रहती है, बहुत ज्यादा दिन तक वो सिद्धि नहीं रहती। खैर, ऐसे आप बहुत सारे साधक भी मिलेंगे जिन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त किया, उनमें से रामकृष्ण परमहंस, नित्यानंद स्वामी, इन सभी लोगों ने यही सारी स्थितियों का उपयोग करके तंत्र साधना में अग्रणी रहे। ये बात अलग है, अगर आप रामकृष्ण मिशन की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा विधान नहीं मिलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने काली माता को साधना सिद्ध किया था, क्या वनस्पति थी, क्योंकि ये सारी गोपनीय क्रिया है जो गुरु शिष्य परंपरा से चलती आती है। और मैंने कहा था कि आपको चाहिए कि विकारों पे
अपना जबरदस्त एक कंट्रोल रखे। और यही रामकृष्ण ने भी करके दिखाया था, उन्होंने लज्जा यानी कि शर्म, घृणा यानी कि फ्रस्ट्रेशन, भय यानी कि फेयर, जाति कुल ये विकार हैं, ठीक है, इन विकारों पर उन्होंने अपना अधिपत्य जमाया था। और इसी को अष्टपास भी कहते हैं, आठ पास। इसके छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रकार से साधन बताए गए, जिसमें से श्मशान साधना भी एक अद्भुत साधना है। और श्मशान में बहुत सी प्रेत आत्माओं का निवास होता है, जो आत्महत्या करते या जिनको अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु यानी समय से पहले जिसकी एक्सीडेंट या मृत्यु होती है किसी भी कारण, उसको अकाल, काल से पहले की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है। जैसे अग्नि में जल कर मरना, पानी में डूब कर मरना, रेल पर रेल पर कट जाना, कुचल जाना, या कोई उसका मर्डर कर दे, फिर कोई कुचल दे गाड़ी के नीचे, तो ये जो मृत्यु होती है, इस प्रकार की आत्माएं जिनकी इच्छाएं अधूरी रहती है, जिनकी वासनाएं अतृप्त रहती हैं, वे या तो उसी स्थान पर जहां उनकी मृत्यु होती है वहां मंडराती रहती है, या फिर उनके साथ जो दुर्गतों हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में वो भ्रमण करती हैं, या जहां उनका शरीर जलाया गया है या गाड़ा गया हो वहीं पर रहती है। इसी कारण श्मशान और कब्रिस्तान में प्रेत आत्माओं का निवास होता है, और यह बिल्कुल निश्चित है। यह बात अलग है कि आपको उसका अनुभूति हो ना हो। कहते हैं कि कई कई लोगों को इसकी अनुभूति होती है, किसी को नहीं होती। मेरे केस में बोले तो मुझे आज तक अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि यदि आप बहुत साधना करते हो तो प्रेत आत्माएं आपके आसपास भटक नहीं सकती। और या फिर अगर आपकी भूत नाड़ी, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है, उसमें से एक नाड़ी होती है भूत नाड़ी मानी जाती है। यदि आपकी भूत नाड़ी किसी भी प्रकार से जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तब भी आपको भूत प्रेतों के दर्शन अनायास होते रहते हैं। और किसी लोग को लगता है वो मुझे सिद्धि मिल गई है, और इसीलिए कुछ लोग जिनका लक्ष्य केवल प्रेत की सिद्धि होती है, वे श्मशान में जाकर मांस मदिरा इन पदार्थों का सेवन के द्वारा प्रेत आत्माओं को सिद्ध कर लेते हैं। पर मैं बताना चाहूँगा कि प्रेत आत्माओं को सिद्ध करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप उससे काम तो करवा सकते हो नौकर की तरह, लेकिन इन लोगों का अंतिम समय काफ़ी, यानी जो प्रेत आत्मा को सिद्ध करता है, उन साधकों का अंतिम समय काफ़ी बुरी अवस्था में जाता है। उनमें से भूत और वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करना, दुर्लभ वस्तुओं को मंगाना, खुशबू उत्पन्न कर देना, दूसरों के मन की बात जान लेना, ठीक है, दूसरे इंसान दूसरे स्थान पर क्या कर रहे हैं ये बता देना, ये सब प्रेत की सहायता से आसानी से होता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे लोग भूत प्रेत की सिद्धि से अद्भुत सिद्ध व्यक्ति है और लोग उन्हें सिद्ध पुरुष मानते हैं। अगर मैं प्रांतों की बात करूँ तो गुजरात हो गया, वहाँ गोधरा हो गया, राजस्थान हो गया, पूर्वी भारत में आसाम हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, मध्य स्थान में, मध्य प्रदेश में भी है कुछ स्थान, ठीक है, और उत्तरी भारत के भी कुछ स्थान है। इन स्थानों के ऊपर अवश्य ही जिसको हम कहते हैं ब्लैक मैजिक स्पेल या प्रेत आत्माओं से सिद्ध व्यक्ति आपको जरूर मिलेंगे, पर उन्हें सिद्ध योगी मानना सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ये मत समझ लीजिए वो अगर इन प्रेत आत्माओं से आपका काम करते हैं तो वो सिद्ध योगी है, क्योंकि प्रेत आत्माएं जहाँ रहती है वहाँ ग्रोथ कभी नहीं होती। ये तो अपने अनुभव से कहता हूँ। मेरे काफ़ी मित्र जिनको प्रेत की सिद्धि थी वो तकरीबन लास्ट 3-4 साल में समाप्त हो चुके हैं, और उनकी सिद्धि यही थी, दूसरों को मन की बात जान लेना प्रेत सिद्धि से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और ऐसे लोगों की मैंने बताया अंतिम गति खराब रहती है, वे प्रेत आत्माएं उन व्यक्तियों को अपनी योनि में मरने के बाद साथ में ले जाती है। और कुछ लोग अपेक्षाकृत उत्तम देवताओं की साधना में भी श्मशान में करते, तो हाई लेवल की साधना अगर आपको करनी श्मशान में कर सकती है शिव की साधना, पर निडरता आपकी होनी चाहिए, क्योंकि श्मशान में साधना करने वालों को बहुत ही ज़्यादा साहस की आवश्यकता होती है। और जो निडर नहीं है दुस्साहस ना करें श्मशान में जाने का या प्रेत सिद्धि प्राप्त करने का, परंतु भूत और प्रेत की सिद्धि के लिए श्मशान साधना किसी भी दृष्टि से हे कर नहीं है, वो बेकार ही है। भैरव सिद्धि के लिए, यक्षिणी सिद्धि के लिए, नव दुर्गा सिद्धि हो गई, ठीक है, 10 महाविद्या जो पार्वती का 10 स्वरूप है, पार्वती माता के भी 10 पूर्ण अद्भुत स्वरूप हैं, 5 सौम्य है और 5 उग्र स्वरूप है माता का, उनमें से किसी भी देवी देवता की आप सिद्धि के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला काली, अगर मैं 5 नाम बोलूँ सौम्य उग्र, तो स्टार्टिंग में आती काला काली, फिर आता है तारा, फिर आती है छिन्नमस्ता, धूमावती और त्रिपुरी भैरवी, ये
उग्र स्वरूप है माँ पार्वती के, और पांच सौम्य स्वरूप भी है दस विद्या में, वह है भुवनेश्वरी, षोड़शी त्रिपुरी, उसके बाद आती है षोड़शी त्रिपुरी, उसके बाद कमलात्मिका आती है, ठीक है, और दो है मैं भूल गया, ऐसे तो कुल मिला के पांच, ये बगलामुखी वो भी उग्र मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये दस महाविद्या को भी सिद्ध करना आपका ध्यान होता है तो आप शमशान में जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जो सारे देवता है वो शमशान है। कुछ लोगों को यहाँ भ्रम होता है कि शंकर भगवान की सौम्य अवस्था में ही साधना की जाती है घर पे, यह गलत है, क्योंकि जितने भी देवता हैं प्रमुख देवता विष्णु को छोड़ के, अगर आप देखो रुद्र हो गए जो शिव है, काली है, तारा है, बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है, गणपति है, भगवान शिव के पुत्र हैं, कार्तिकेय हैं, ये सब के सब भैरव हैं, हनुमान हैं, सब उग्र देवता हैं और ये शमशानी देवता माने गए हैं। भले हम उनके मंदिर में पूजा करते या घर पर पूजा करते हैं, पर इनकी उपासना के लिए शमशान सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। अब मैं बात करूंगा भूत प्रेत का सूक्ष्म शरीर भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं तभी वो प्रेत बनते हैं, क्योंकि मरने के पश्चात आपकी जैसी गति रहती है, इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है गतिस्त्वम मतिस्त्वम त्वमेका भवानी, यानी मृत्यु के वक्त या जीवन के इस क्रम में जैसी आपकी गति रहेगी वैसे ही आपकी मति रहेगी, आप जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। और भूत प्रेतों का जो सूक्ष्म शरीर होता है अंधकार में आपको हल्का सा इसको दिख सकता है और कभी कभार डर भी लगेगा, परंतु यह निश्चित है यदि आप भयभीत ना हो तो वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि अगर आपको डर लगता है, मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूँ या मेरे सामने शेर आ चुका है, और अगर मेरे अंदर डर की भावना उत्पन्न होती है शेर को देखकर, जो कि स्वाभाविक है, तो वही विचार तुरंत रिफ्लेक्ट होते हैं शेर के मन में, वहाँ उसके पास ऑन होते हैं और उसके मन में यह विकार, ये भय का है, जाके उसको टकराता है, उसके मन में भी डिफेंस मैकेनिज्म उत्पन्न करता है और वह झपट्टा मारने के लिए उसके मन में भी विचार आता है। तो इसीलिए जब भूत प्रेत आपको दिखे तो डरने की आवश्यकता ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि वो आपको हानि पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि वो सूक्ष्म अवस्था में है, स्थूल शरीर में नहीं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान की पूजा कर सकते हैं, या भैरव जी की भी किसी के रूप में, क्योंकि भैरव भी रुद्र का शिव का एक उग्र स्वरूप है, उसका जप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, या फिर यदि आप शक्ति उपासक हो जैसे काली, दुर्गा, छिन्नमस्ता, चंडी, इन सारे स्वरूपों का आप नाम भी ले सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हो, पर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात है, कई बार अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि कई बार भूत प्रेत के सामने हम हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो भी उसका कोई असर नहीं होता है। इसका विशेष कारण है क्योंकि वो बहुत शक्तिमान जाता है भूत और प्रेत, कुछ मरने के बाद ब्रह्म भी बन जाते हैं, जैसे जिन लोगों का ऑकल्ट साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, मरने के बाद अगर उन्होंने गलत काम किया है, मरने के बाद वो प्रेत ना बनके ब्रह्म बन जाते हैं, जो कि प्रेत का ही एक स्वरूप है, पर ब्रह्म काफी शक्तिशाली होता है। उसके सामने आप हनुमान चालीसा पढ़ो, भैरव मंत्र पढ़ो, दुर्गा के नाम पढ़ लो, शिव का जाप पढ़ लो, कुछ भी आपको असर नहीं होगा, क्योंकि उस ब्रह्म को, उस वस्तु को काटने का भी उपाय पता होता है, क्योंकि वो स्वयं मंत्र तंत्र का ज्ञाता होता है। जैसे मैं मेरी बात कर लूँ, अगर मैं ऑकल साइंस में हूँ, मैं पूरा जीवन इसी में बिताया और आगे जाके मृत्यु होती है किसी भी कारण से या एक्सीडेंट होता है, तो तुरंत मेरी अवस्था भूत या प्रेत में ना बनकर ब्रह्म स्वरूप में जाएगी। ब्रह्म जिसको कहते हैं, ब्रह्म बहुत शक्तिशाली होता है, उसको मारना प्रताड़ना देना बहुत मुश्किल है, वो भाग नहीं सकता मंत्र जप से, हनुमान से, किसी भी से भी, ठीक है। और मंत्र जप से आप उनको, सामान्य भूत प्रेत को डरा भी सकते हो और भगा भी सकते हो, पर डरने की जरूरत नहीं हो, उनको प्रसन्न करने की या कुत्ते को टुकड़ा डालने जैसी हम जो विचार करते हैं कि हम उसको मांस मदिरा देंगे वो प्रसन्न हो जाएगी, ये गलत है। भूत प्रेतों पर इस प्रकार का प्रयोग कभी ना करें। कई लोग हैं, कुछ पदार्थ है जैसे मांस, मदिरा, सिंदूर, लौंग, इलायची, इत्र, फुलेल, सुगंधित तेल, श्रृंगार के जो प्रसाधन है उसको लेकर प्रेत आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए बैठ जाते हैं, और वहीं आगे जाके भूत प्रेत उनको परेशान भी करती है। पर आपका ध्येय तो उसको वश में करना हो सकता है, सेवा लेना अच्छा भी नहीं माना जाता, तो दूर रहिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें अच्छी नहीं मानी जाती। श्मशान में जाने से वैराग्य भाव भी उत्पन्न होता है, ठीक है, इसलिए पुरातन काल में
कई वैरागी साधु स्मशान में ही रहते, क्योंकि स्मशान आपको जीवन की पवित्रता का और स्मशान आपको ये सिखाता है कि जीवन किसी भी सही समाप्त हो सकता है, तो भोग में प्रवृत्त हो जाओ, पैसे कमाओ, लेकिन अटैच नहीं होना है। और इसलिए डिटैच होने के लिए सबसे श्रेष्ठतम स्थान या उसका प्रतीक शमशान माना गया है। और शमशान जाने से ही कई बार वैराग्य के भाव उत्पन्न होता है। रात के जो तीसरा प्रहर है उसमें आप जाइए। प्रहर क्या होता है? ज्योतिष की दृष्टि से 24 मिनट का भी एक दृष्टिकोण है, 24 मिनट का एक प्रहर माना गया है, और कहीं कहीं पर 3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है। जैसे कि सूर्योदय से यानी 6 बजे के आसपास सूर्योदय होता है भारत में, तो 6 से 9 पहला प्रहर हुआ दिन का, 9 से 12 दूसरा प्रहर हुआ, 12 से 3 तीसरा, और 3 से 6 शाम का जो है वो चौथा प्रहर। उसी तरह रात का तीसरा प्रहर बोलूँ तो 12 से लेकर 3 यह समय मान लीजिए। और स्मशान में बैठने लायक कोई निश्चित स्थान हो वहाँ बैठ जाइए। चारों ओर मंत्र को पढ़कर जल छिड़क दीजिए बंधन करने के लिए, बंधन मंत्र, और अपने शरीर पर भी मंत्र पढ़कर जल छिड़क दीजिए ताकि आपको सुरक्षा मिल सके। सिंदूर में घी मिलाकर अपने चारों ओर एक घेरा बना लीजिए, और प्रेतों के लिए जो सामान आप लाए हो उस पर कुछ दूरी रखकर आसन पर बैठ जाकर अपना मूल मंत्र जो आपसे गुरु से प्राप्त हुआ है, पुस्तकों से नहीं, वो काफी खतरनाक माना जाता है। पहले एक आध दिन हो सकता है कि कोई शैतानी आत्मा आकर आपको विकराल रूप दिखाए, भयंकर शब्द करे, डराकर हाव भाव दिखाकर डराने का प्रयास करे, परंतु उनसे आपकी दोस्ती या जान पहचान हो जाएगी तो वे आपसे काम में विघ्न नहीं डालेंगे, क्योंकि भूत प्रेत भी आपको निरंतर देखते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो अवस्था है स्थूल रूप में ना होकर सूक्ष्म रूप में है, इसलिए वो आपको देख पाते हैं, आप उसको नहीं देख पाते। आप तभी देख पाओगे जब आपका थर्ड आई जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं वो जब जागृति हो जाती है तभी आप उसको देख पाते हो। बात करता शमशान साधना की। शमशान साधना में प्रवेश करने पहले अपना मंत्र जब शुरू कर दीजिए और अंत तक करती रहिए, बीच में उठना नहीं है। अगर आप बीच में उठ गए तो ये निश्चित जानिए कि कहीं ना कहीं आपको हानि हो सकती है, या जब तक आप सुरक्षा घेरे के अंदर में ना बैठ जाए तब तक मंत्र जब प्रारंभ मत कीजिए, और मंत्र जब प्रारंभ करने के बाद उठिए नहीं। और कहीं कहीं पर तंत्र शास्त्र में विधान भी है कि निर्वस्त्र होकर भी पूजा की जाती है, कहीं कहीं पर तो यज्ञ पवित्र भी उतार दिया जाता है और अपना साधन जब ध्यान आरंभ करते हैं। अष्टपास जो रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा था, लज्जा घृणा भय कुल का अभिमान जाति का अभिमान, इन सारे पासों से आपको मुक्त होना है तभी आप साधना में सफल हो सकते हैं। पर ये सारी बातें मैं एक सामान्य व्यक्ति को नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये वैराग्यवान इंसान के लिए, या जो अकेला है साधना क्षेत्र में, आसपास कोई नहीं है, घर परिवार, वही ये साधना करे, अन्यथा सामान्य व्यक्ति शमशान साधना ना करे तो उचित है। और शमशान की जो साधना के बारे में सोचने से पहले आप अच्छी तरह से तौल लीजिए कि आपके अंदर इतना आत्मबल शक्ति साहस है कि आप डरेंगे नहीं। इसके लिए जब कुछ समय तक इष्ट देवता या आपके जो इष्ट मंत्र हैं उसका कवच स्तोत्र पूजा पाठ अपने घर पर कीजिए या मंदिर में कर सकते हो, या फिर घर के किसी एकांत भाग में तीसरे प्रहर में रात्रि में तब भी किया जा सकता है। और कई कई बार ये भी बताया गया कि ध्यान करना चाहिए जब के बाद, तो बहुत आपको फल भी देता है। और किसका ध्यान करना चाहिए? जिस इष्ट देवता का मंत्र जप करते हो उसका ध्यान करना चाहिए। पहले जीवा से माला के साथ मंत्र जप कर, जीवा मतलब मुख से बोलना है उसको जीवा बोलते हैं, मुख से माला से मंत्र जप करना होता है, और इसके लिए शुद्धता से पाठ करना चाहिए, 16 उपचार पूजा करनी चाहिए। 16 उपचार बोलते हैं 16 प्रकार की पूजा होती है, उसको 16 उपचार कहते हैं। कुछ समय बाद मन में या फिर गुड़गुड़ाते हुए आप मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ना करें। और मंत्र जप करते समय काफी नियम होते हैं, माला स्थिर रहे, आपका शरीर भी स्थिर रहे, आसन भी स्थिर रहे, और आपको आसपास नहीं देखना है और ना ही कवच या स्तोत्र का पाठ करते हुए मंत्र जप करना है। 10 महाविद्याओं में कवच स्तोत्र का बहुत ही ज्यादा विधान है, और बहुत सरल संस्कृत में इसमें विधान भी दिया गया, जो ज्यादा बड़े भी नहीं है। काली कवच अगर आप देखते हो, काली में बहुत सारे बड़े बड़े कवच है, तो आप वो भी कर सकते हो अगर काली आपकी इष्ट है। थोड़े ही दिन बाद आपको कंठस्थ हो जाएगी वो सारे मंत्र स्तोत्र जिसका आप निरंतर मंत्र जाप करते हो। मानसिक जप,
कहते हैं मानसिक जब आप करते हैं यानी मन ही मन, तो आपको 10 गुना फल प्राप्त होता है। कहीं पर यह भी कहा गया कि गिनती ना करो, केवल जप करते रहो। ये भी एक बात है, क्योंकि अगर आप माला मंत्र जप करोगे तो आपका ध्यान ये रहेगा 51 माला करनी है, 3 माला तीसरी माला हुई है और 21 बाकी है। इसीलिए कहीं कहीं पर कहा कि आप जप करते रहो, गिनो नहीं। और यहां लिखा है आप गिनती ना करो, वहां का फल कहते हैं आप जब करते रहो तो राक्षस उसका फल ले जाता है, और यह जीवा द्वारा किए गए जब भी सीमित रहता है। मानसिक यानी मन ही मन अभ्यास करने के बाद आपको प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम यानी कि प्राणों पर पूर्ण विजय प्राप्ति का जो अभ्यास है उसको प्राणायाम कहते हैं। मैंने प्राणायाम के ऊपर एक रिकॉर्डिंग की थी, नाथ संप्रदाय की गुप्त साधना, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसमें मैंने प्राणायाम के बारे में विस्तार से बताया है कि कैसे प्राणों पर संयम प्राप्त करने के लिए कैसा अभ्यास किया जाता है। और प्राणायाम का अभ्यास आपको चाहिए कि 10 से 15 मिनट प्रतिदिन करें, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए 80 तक लेके जाइए। रात के समय यह प्राणायाम करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि रात के समय जब सारा संसार सोता रहता है तब योगी जन जागते हैं, और इसीलिए कहा गया है गीता में, या निशाम सर्वभूतानाम यशाम जागृति संयमी। संयमी इंसान ही योग साधना कर सकता है, और इसीलिए 3 प्रमुख आसन योग के लिए बताए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन। पद्मासन ज़्यादा अच्छा माना गया है, तो पद्मासन लगाकर बैठें, नियम से सांस लें और कुछ दिन तक उंगली की सहायता से नथुनों को बंद करें। पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, उसके बाद मूल प्राणायाम कर लें। इसके बाद धीरे धीरे श्वास की इस क्रिया को बढ़ाते रहें, और इस प्रकार से प्राणायाम करने के बाद, जिसमें 3 उसके मुख्य बिंदु होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक को एक लयबद्धता के साथ यानी एक सिंक्रोनाइजेशन, एक बैलेंस के साथ करना चाहिए। पहले दिन चाहे तो 10 प्राणायाम का अभ्यास करें, धीरे धीरे मैंने कहा 80 तक इसको बढ़ाते जाए, और बाद में उंगलियों का सहारा छूट जाता है और अपने आप ही स्वर चलते रहता है। ये तो बहुत एडवांस लेवल की बात है, और उससे स्वतः पूरक और रेचक होते रहता है। प्राणायाम यानी कि मैंने कहा सांस के साथ जप करने का कुछ अभ्यास हो जाए, तो आप अपने चित्त की जो वृत्तियां हैं, मन को आंख बंद करके भौहों के बीच जहां नासिका अग्रभाग जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर अपने मन को केंद्रित करके प्रकाश का ध्यान या अपने इष्ट देवी इष्ट देवता स्वरूप का ध्यान करें, और वहां पर ध्यान करके मंत्र का जाप करें। तब आपको कानों में घंटा की ध्वनि सुनाई देगी। एकांत जो निर्जन स्थान है वो, या रात्रि में शांत वातावरण में, या फिर पर्वत पर कंदराओं में, तीर्थ स्थल में, शक्तिपीठ में, प्राचीन मंदिरों में ध्यान लगाने से बहुत जल्दी फायदा मिलता है, और आपको अनहद नानी अनहद ध्वनि यानी कि जो अनाहत ओम को अनहद भी कहते हैं, अनहद ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रणव है, वो आपको सुनाई देता है। इस प्रकार क्रमशः साधना के पथ पर अग्रसर होने से प्रगति शीघ्र होती है, और इसमें यम नियम का पालन करना, ठीक है, किसी दिन सूत्रों में यम नियम के ऊपर अपने विचार स्पष्ट करो, बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान पूजा पाठ करते हो यम नियम का पालन होना जरूरी है। साथ में सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य पालन सहायक बिंदु है। इस प्रकार से आप वैष्णव तांत्रिक साधना में मांस मदिरा त्रिप्रसंग इसकी आवश्यकता नहीं होती। जो लोग बोलते हैं वो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, और जिनको अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है वो तंत्र साधनाओं को गंदा भी कहते हैं। बात करता हूँ जप की। यदि आप जप से कंठ से जप करते हैं तो आपको जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल मानसिक जप से मिलता है। मानसिक जप से 10 गुना अधिक फल प्राणों पर विजय प्राप्त करने से यानी अंदर अंदर प्राणायाम के द्वारा जप करने से प्राप्त होता है, और उससे भी 10 गुना अधिक फल आज्ञा चक्र पर जिसको त्रिपुटी कहते हैं, और त्रिपुटी पर सुरति चित वृत्ति द्वारा जप करना होता है। यही त्रिकुटी या त्रिपुटी जिसको कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उस पर तिराहे के स्थान को भी कहते हैं, और जहां दोनों भौह यानी कि आईब्रो दोनों के बीच का जो धाराएं हैं नासिका के प्राणों की धारा मिलती है, उस पर आप ध्यान लगाने से अनहद के ध्वनि सुनाई देने लगे, प्रकाश के दर्शन होने लगे, तब आप अपने जय को योग्य समझ सकते हैं कि आप स्मशान साधना में भयभीत नहीं होगे। वैसे साधना के पद पर अग्रसर होने के लिए जरूरी नहीं कि स्मशान साधना में ही आप जाए, परंतु इससे सिद्धि की अवस्था जल्दी मिलती है। परंतु कहीं भी किंचित भी शंका हो
तो आप भयभीत हो जाएंगे और कदापि इसका दुस्साहस ना करें। गुरु हो, आपके मार्गदर्शक हो, कोई अनुभवी साधक हो, उसको साथ में लेकर स्मशान साधना में प्रवृत्त हो जाए। और अब बात करूंगा तंत्र साधना के दो मुख्य प्रकार की।